हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एंड जर्नी। और आज हम काम करने के लिए कुछ जगह पे जा रहे हैं और वहाँ पे काम कैसा होता है, क्या है और आज का दिन का काम क्या है वो आप सभी को दिखाएंगे। और वहाँ पे खास करके एसी और इलेक्ट्रिक का कुछ काम है, वायरिंग का, और वही काम आपको सबको दिखाएंगे। तो कैसा होता है आज का काम आप लोग को दिखाएंगे। तो मैंने बाइक पर मेरा कुछ सामान वगैरह लोडिंग कर लिया है वहाँ पर काम के लिए, तो देख सकते हैं बाइक में क्या है लोडिंग। और ये रहा बाइक में लोडिंग कर लिया है मैंने थोड़ा बहुत सामान मेरा जो यहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे और एक है और सब थोड़ा बहुत सामान लेके हम काम के लिए निकल रहे हैं अभी। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, ब्लॉग में आप बने रहिए। फ्रेंड्स, देख सकते हो हम दोनों इस तरह जा रहे हैं बाइक के सामान लेके और काफ़ी दूर तक जाना है। अभी घर से कुछ दूर ही पहुँचे हैं अभी फिलहाल। और पीछे देख सकते हो काफ़ी सारा सामान हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं इस बाइक पर। और धर्म भाई जो है पीछे कुछ बोल रहे हैं, सुन सकते हो आप, थोड़ा धीरे बोल रहे हैं अभी। लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और ये मतलब काम स्टार्ट हो गया यहाँ से। हाँ, ये रहा हम लोग का हॉस्पिटल और यहाँ पे हम लोग को काम करना है इसी लेबोरेटरी पे। तो ये थोड़ा बहुत हम लोग का सामान आ गया है अभी, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का काम। ये रहा एसी और इसका इंडोर, ये आउटडोर रहा, और ये हम लोग का सामान। और यहीं पे हम लोग का काम करना है आज, और यहाँ पे एसी लगेगा। तो इस तरह रहा आज का काम का जगह, तो यहीं पे हम लोग काम कर देंगे आज। तो हम लोग का धर्म भाई जो है सामान सबको देख रहा है, वेरीफाई कर रहा है क्या है क्या नहीं। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे, तो शुरू करते हैं ऐसा काम, लेट्स गो। हम लोग का धर्म भाई जो है काम कैसा करना है और कहाँ से क्या जाएगा वो देख रहा है, निरीक्षण कर रहे हैं अभी लोकेशन को, कहाँ से कहाँ क्या देना है अभी वो लोकेशन को देख रहा है रास्ते से। अभी क्या हो जाएगा धर्म भाई बोल दो। धर्म भाई जो है अभी दिखाएंगे कि काम कैसा होता है और वायरिंग कैसा होता है। धर्म भाई के साथ में बने रहिए आप लोग इस वीडियो पे। भाई जो अभी लेवलिंग कर रहे हैं इसको बैठाने के लिए सही तरीके से, ये मार्किंग कर दे रहा है। अभी धर्म भाई का पहला ड्रिल स्टार्ट हो चुका है अभी। चिपलता है क्या होता है? बहुत चिपलता है। चिपलता है ड्रिल, बहुत चिपलता है यहाँ पे। एक काम करो ना, वो गजल मारो, गजल गजल
पहला ड्रिल हो चुका है यहाँ पे। अभी गुटका, अभी जाएगा गुटका, खाने वाला नहीं है, लगाने वाला है। ओह, खाने वाला गुटका नहीं है, लगाने वाला गुटका है, याद कर लेना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एक सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग का एक सामान घर पे छूट गया था, तो उसको अभी मैंने गाड़ी पे मंगाया और वही सामान लेने के लिए मैं अभी रास्ते पे जा रहा हूँ। और एक बस पे भेज दिया गया वो सामान वहाँ से, तो उसी को अभी रास्ते से लेके काम की लोकेशन पे जाऊँगा। रास्ते में इस तरह जाएंगे, इस तरह। अभी गाड़ी जो है अभी नहीं पहुँचा है, आने में थोड़ा लेट होगा शायद मेरे ख्याल से। कहाँ पहुँचा पता नहीं अभी गाड़ी, फिर भी हम लोग को यहाँ पे रुकना पड़ेगा कुछ देर। रुकते हैं यहाँ पे, वेट करते हैं गाड़ी का। सामान भी ज़रूरी है यहाँ पे काम करने के लिए। मौसम पूरा साफ है लेकिन हवा कुछ ज़्यादा ही आ रहा है यहाँ पे। मौसम का हाल कुछ इस तरह रहा आज यहाँ पे काम करने की जगह पर। तो आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है मेरा यहाँ पे रुकते रुकते, और अभी तक गाड़ी नहीं पहुँचा। तो मैं बैठा बैठा थक गया, क्या करें पता नहीं कब आएगा गाड़ी, उसी इंतज़ार में बैठा हूँ अभी तक। तो फ्रेंड्स, आप लोग बैठे बैठे मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। और अभी तक गाड़ी नहीं पहुँचा, उसी को वेट कर रहे हैं, पर आप वेट मत करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। फाइनली गाड़ी आ पहुँचा है, अभी इसी गाड़ी पर सामान जो आया है, तो सामान को यहाँ से उतारते हैं इस गाड़ी से। फाइनली सामान को उतार लिया है मैंने, ये रहा बैग, और उसको लेके जाएंगे कैसे, काफ़ी भारी है सामान जो है, अकेले से उठा नहीं जा रहा। मैं से सारा सामान उठाने जा रहा था, तो मैंने धर्म भाई को बुलाया और उसको उठाने के लिए थोड़ा आधा सामान वहीं पे छोड़ दिया, तो उसको लेने के लिए भेजा अभी। और क्या रहा, और मेरा सामान ये रहा थोड़ा। और वो एक बैग लेके आ रहा अभी। काफ़ी भारी है सामान जो है, कॉपर का जो वायर वगैरह है ये काफ़ी भारी रहता है ना, वही सामान है। यहाँ पे जो है लाइटिंग है काम करने के लिए, तो हम लोग ने अल्टरनेट जो यूज़ किया है UPS अलग सा, हम लोग काम करने का UPS जो है यहाँ पे अल्टरनेट, हम लोग इसी से काम कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है कल रात से, इस वजह से हम लोग को काम करने का मतलब अल्टरनेट जुगाड़ निकालना पड़ा। तो UPS के जरिए हम लोग काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। और साथ में धर्म भाई का फोन भी आ गया है, पता नहीं ये ले लो। हॉस्पिटल का कुछ नज़ारा इस तरह है, काफ़ी सुनसान है, सुबह सुबह कोई नहीं आया है, उससे पहले हम लोग पहुँच गए। तो मेरे से तो यहाँ पे मेरे वार्ड नंबर काफ़ी साफ सुथरा है यहाँ पे मेडिकल जो है, देख के अच्छा लगा, साफ सुथरा, कोई गंदगी नहीं है यहाँ पे, सभी बढ़िया है हॉस्पिटल जो है, अच्छा लगा देख के। पानी का जो ये भी है, सुविधा भी है यहाँ पे, और इधर धर्म भाई का काम स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी बढ़िया से काम कर रहे हैं अभी। मेडिकल जो है काफ़ी साफ सुथरा अच्छा है, देखने में अच्छा लगा मेरे को। और ये रहा सामने डॉक्टर का रूम, और हम लोग को यहाँ पे लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। चल रहा है अभी, देख सकते हो
काफ़ी ज़्यादा तेज हवा चल रहा है, क्यों पता नहीं आज का मौसम। तो सोचो केले के पत्ते को किस तरह फाड़ के रख दिया है हवा ने। काफ़ी ज़्यादा तेज हवा चल रहा है बाहर, मौसम पूरा साफ काफ़ी बढ़िया है, फिर भी तेज हवा अभी क्यों पता नहीं। भाई जो है काम खत्म करने को है अभी, मतलब मेहनत वगैरह कस रहा है, अभी देख सकती हूँ तो लगन से काम कर रहा हूँ। क्या चला रहे हो? गन। धर्म भाई जो है गन से टाइट हो जाएगा, सही तरीके से टाइट हो जाएगा। और काम करके कैसा लग रहा है तुम्हें, कुछ बता दो। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, भूख लग गया, अभी खाना खाने लगेंगे। काम करते करते भूख लग गया ना, कुछ खा के आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो पे, लाइक और शेयर जरूर कर देना। और नलकी में पानी नहीं आ रहा क्या? नलकी में पानी नहीं है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग खाना खा के आ चुके हैं और धर्म भाई अभी कुछ बोलने वाले हैं, तो क्या बोलने वाले धर्म भाई? खाना खा के आए, आज काम लग गया, अरे बड़ा ऑफिस का बात है। जो भी मालिक होंगे उसके हम लोग बहुत पैसा कमा देंगे। जितना रेस कर रहे हम लोग काम, जितना रेस किए होंगे हम लोग काम कर रहे हैं ना। जैसे देखेंगे हम भी यहाँ ये ना एसी, हम इसको हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं। ये देखिए ये लेना है, ये देखिए धर्म भाई जो है अभी इसका कुछ ऊर्जा वगैरह निकाल रहे हैं।
सोच रहे कैसे निकालूं। ये पहले खोल दो इसको, इसको पहले खोल दो, मशीन में आया है। और क्या क्या है इसके साथ भी, इसका तो बिजली भी आया है, पहले वाला जो था उसका नहीं था, उसके साथ पहले वाला नहीं था ना, नहीं था पहले, इस वाले इसी में मिला है, इसमें मिला है इसका। तो ये हम लोग का स्टेबलाइजर 3 साल के वारंटी के साथ में, माइक्रोटेक का ये स्टेबलाइजर है, इसको बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे, अभी पहले इसको फिलहाल ये जो है आपका जैसे तो इन्वर्टर एसी है, एसी पैनासोनिक का, और ये डेल्टन का है, और साथ में देख सकते हो आउटडोर, आउटडोर यूनिट खरीद है, आप अभी बाद में बताएंगे, पहले देखते हैं इंडोर यूनिट का पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पैनासोनिक का आउटडोर यूनिट और ये है इंडोर यूनिट, मार्तुल, हाँ ये रहा आपके लिए मार्तुल, हथौड़ा, हथौड़ा मार है दोस्तों। एक प्रॉब्लम है, इश्यू है, क्योंकि जब भी परचेस करते हो पैनासोनिक का, ये वाला केबल साथ में नहीं दिया जाता है, ये खाली आउटडोर यूनिट के लिए दिया गया है, और इंडोर यूनिट के लिए इसमें भी चाहिए इस तरह का केबल, लेकिन इसमें साथ में नहीं दिया जाता है। तो इंडोर के अंदर भी कनेक्शन करना होता है, तो क्या मशीन है ये, वाइब्रेशन मशीन हिला दे रहा है, बहुत ताकतवर है, कैसा मशीन है, ताकतवर, बहुत ही ताकतवर है। जो पैनासोनिक का एसी लेने से पहले देख लेना, वायर जो है ये आउटडोर का और ये इंडोर का, जो इंडोर का ये यूनिट का जो कनेक्शन जो वायर रहता है ना, वो वायर नहीं मिलता है पैनासोनिक में, ये पहले देख लेना। हम लोग को ये मॉडिफाई करके लगाना पड़ रहा है अभी, इसको हम लोग मॉडिफाई करके लगा रहे हैं अपना खुद का, तो देख सकते हो कनेक्शन इस तरह किया गया है यहाँ पे। तो आउटडोर का ठीक है, आउटडोर का कोई इशू नहीं है, लेकिन इंडोर का जो है वो इसमें कनेक्शन नहीं दिया जाता है, वहाँ से कनेक्शन का वायर जो है वही नहीं मिलता है, उनको मॉडिफाई करके लगाना पड़ता है इसमें, तो देख लेना। तो पैनासोनिक का ये इशू है, ये बहुत सारा पैनासोनिक का हमने काम किया तो उसमें ऐसा इशू मिला है हम लोग को। ठीक है, मेरा पैनासोनिक का ब्रांड
तो दोस्तों देख सकते हो अभी आउटडोर यूनिट के लिए वैक्यूम का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट वैक्यूम का प्रोसेस चलेगा। और ये देख सकते हो वैक्यूम किस तरह करते हैं हम लोग। और फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे सीसीआर बोगाजन से कुछ लोग आए हैं और ये पानी का जो एक्वागार्ड है उसको उद्घाटन करने के लिए आए हैं शायद। और काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ पे अभी देख सकते हो। और मैं भी यही देख रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, सारे मोबाइल पे वीडियो कॉल कर रहे हैं हमें। और यह सीसीआई का ब्रांड बोगाजन, अभी उसी को उद्घाटन करेंगे शायद। ये रहा बोगाजन सीसीआई की तरफ से दिया गया एक डोनेशन है शायद, मेरे ख्याल से उन लोग ने ही गिफ्ट किया है इस अस्पताल को। और बड़े लोग को सम्मान देते हुए नर्स मैडम, सभी का सम्मान करते हुए तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग का काम हो चुका है। और मेरे से तो मेरे पीछे और एसी भी लग चुका है, अभी एसी लग गया है और मेरा सारा हो गया। और ऐसे तो मेरे यूपीएस है और हम लोग का धर्म भाई जो है बैक साइड पे पार्थिंग के लिए पार्थिंग कर रहा है अभी नीचे। तो इसको खोल के इसको थिंग लगाएंगे इसके नीचे। लगभग एसी का काम अभी चालू हो चुका है। एसी ठंडा, अभी चिल ठंडा सा हवा आ रहा है, इसका मजा लेते हैं हम लोग। जब भी मतलब जब भी इलेक्ट्रिशियन काम करता है तो पहला हवा उनको मिलता है, फैन का हो या लाइट का हो और एसी का हो, अभी पहला हवा हम लोग को मिल रहा है एसी का तो फर्स्ट अभी इंस्टॉलेशन के बाद। और लगभग हम लोग का काम खत्म हो चुका है और आगे देखते हैं धर्म भाई क्या करें, वहाँ पर देखते हैं। ओके ये देख सकते हो अर्थिंग का कैसे निकालते हैं, ये ऐसा ये जो नया बन रहा है अर्थिंग के निकल अर्थिंग रहेगा। ये इसको पूरा पाइप को खोद के नीचे डाला जाता है। अभी देख सकते हो धर्म भाई पूरा मेहनत कर रहा है, अभी पसीना पसीना निकल रहा है। धर्म भाई इसका पाइपिंग का साइज दिखा दो, कितना लंबा होता है पाइप अब हम लोग को जो डालना है। अभी जो ये अभी हम लोग कितना फीट हम लोग नीचे डाल रहे हैं वो दिखा दो एक बार। तकरीबन 6 से 7 फीट होगा, दिखा दो। देख सकते हो दोस्तों इतना लंबा पाइप है और इसको पूरा नीचे तक लम को लगाना है तो काफी लंबा होता है। इसको नीचे तक डालते हैं, अभी आधा हो चुका, लगभग आधा पहुंचा नहीं, पहुंचने वाला है। और एसी का आउटडोर का ये यूनिट देख सकते हो, अभी पंखा घूम रहा है यहाँ पे हवा। धर्म भाई का काम खत्म होते ही हम लोग का काम खत्म है यहाँ का आज का। कितना होता है ये? ओ उसे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा है। हाँ वो डालो ये और थोड़ा जाएगा तो भैया, और दो गज मारो ना हो जाएगा। देखो दोस्तों
धर्म भाई इतने में काबू हो चुका है और ये अभी दो तीन बार मारने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो पूरा अपना रेंज तक पहुंच जाएगा, 6-6.5 फीट तक। तो आज का काम इतना ही तक और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। दोस्तों मेरा चैनल का सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और आज तक यहाँ तक मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म भाई कुछ बोलना चाहते हो? बोल दो कुछ तो बोल दो यार, लास्ट एंडिंग है यार। धर्म भाई जो है अभी बहुत थक गया, वो बोलना तो नहीं चाहता। और मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, धन्यवाद।